how many like sleeping? कितने लोगों को सोना पसंद है? Raise your hand if you like sleeping. Okay. Okay. How many don't like sleeping? कितने लोगों को सोना पसंद नहीं है? Oh, wow, we have so many people who don't like sleeping. काफी लोग हैं जिन्हें नहीं पसंद सोना. Okay. Um, uh, how many like sleeping in the church? कितने लोगों को पसंद है कि वो जब चर्च हो रहा हो या कलीसिया में हो तब सोएं? You know. By the way,

और ये जो सभा है ये पहले से नियुक्त करी गई नहीं थी ये सभा लेने बैठ गया तो हम ये जो शख्स जो सो रहा था इसको छूट दे सकते हैं कि हाँ हो सकता है वो रात की नौकरी करके आया हो या उसे पता नहीं हो या वो प्रिपेर नहीं हो कि हाँ मुझे सभा का एक सहभागी बनना है We can watch the service at home. There's online service. There can be intimation. Eleven o'clock. You have to be here. Today is communion. You know all that communication. But earlier there was no communication tool whatsoever. So Paul is actually traveling. He's on a ship. There's no um, way that the people know that Paul is coming. And suddenly he lands up because it's not an official trip of Paul. And when he lands up, immediately the word spreads. Oh, Paul is here. Paul has actually established the church there. So Paul is here, and that's why they. Call call everyone and everyone comes here for a night meeting और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज जिस समय में हम जी रहे हैं उसमें सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हमें मैसेजेस मिल जाते हैं हम ऑनलाइन सर्विसेज देख सकते हैं हमें पता रहता है किस समय सभा शुरू होगी कहाँ पर सभा होगी पर उन दिनों में जब पॉलूस जब है सेवकाई कर रहा था उन दिनों ये सब सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी पॉलूस सफ़र कर रहा था और एकदम से वो वहाँ पहुँचा उसने वहाँ कलीसिया को स्थापित किया हुआ था लोगों को पता चला पॉलूस पहुंचा है और एकदम से ही लोग इकट्ठा हो गए कि एक समय नहीं था नियुक्त के सभा होगी और एकदम से सभा हो गई क्योंकि पॉलस वहां पहुंचा था एंड पॉल नोस दैट दिस इज द लास्ट टाइम ही इज टॉकिंग टू दिस चर्च और पॉलस इस बात को जानता है कि ये आखिरी समय है जब मैं इस कलीसिया के साथ बात कर रहा बिकॉज़ एज़ वी रीड द बाइबल वी सी दैट पॉल हैज एक्चुअली रिसीव्ड अ प्रोफेसी दैट यू विल बी परसिक्यूटेड इन जेरुसलम ही इज ऑन हिज वे टू जेरुसलम ही वुड बी परसिक्यूटेड इन जेरुसलम ही वुड बी थROWN इनटू प्रिजन देयर वुड बी प्रिजन लाइफ फॉर हिम देन ही विल बी शिप्रेक बीइंग यू नो टेकन एज़ अ स्लेव इन अ शिप टू

But the first thing I want to tell you, the first thing is, you know, as believers, we should learn from this church. They are probably, they have worked, you know, the entire day, the previous day, yet when they hear that Paul is coming and you know, this is the last opportunity to hear him they all assemble together you know fellowship of believers is such a great blessing you know a lot of people think uh, you know i can do without it there's online options you know i want to tell you that online options are not as good as having the fellowship and getting involved in a corporate set of worship और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सबसे पहली बात जो हमें इस कलिसिया से सीखनी चाहिए वो ये है कि हो सकता है पूरे दिन जो है वो अपने काम में व्यस्त रहे हों पर जैसे ही उन्हें पता चला कि पॉलूस आ गया है और आखिरी बार हम उसके साथ एक कलीसिया के रूप में सहभागिता करेंगे तो वो सब इकट्ठे हो गए आज हमारे पास जो है ये प्रोविजन हैं कि हम ऑनलाइन सर्विसेज देख सकते हैं पर अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ व्यक्तिगत रूप से करके जो सहभागिता करके जो आपको आनंद या आपको जो परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान मिलता है वो शायद online services through you know and uh, the the joy to actually hear and fellowship with the people whom the the lord has used for testimonies for example you know uh, i have seen niharika now for the last 12 years she was very small when she और जब हम एकत्रित होते हैं और व्यक्तिगत रूप से सुनते हैं कि परमेश्वर लोगों के जीवन में गवाहियाँ करता है तो वो एक अलग तरीके की आशीष देता है जैसे सिस्टर निहारिका है उसको उनको पासवान जो है पिछले 12 साल से जानते हैं um earlier uh, when they were living in a different location और ये परिवार हमारी कलीसिया से तब जुड़े थे जब वो किसी और जगह पे रहते थे they accepted the lord as their lord and savior as the you know as uh, the first people in their entire household और अपने परिवार में परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले ये सबसे पहले शख्स थे सबसे पहला परिवार था to hear that she got through in the most prestigious college without having the credential credentials of that through the power of grace And through the fellowship of believers, it's just so amazing. It's, uh, it's joy that you can't actually experience, you know. और ये सुन के बहुत खुशी होती है कि इस कलीसा से जुड़े रहकर जब हम विश्वास योगी भाई बहन एकत्रित होते हैं एक साथ सहभागिता रखते हैं हमें ये देखकर अच्छा लगता है कि उसे एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिला है शायद जहाँ वो समझती है उसके लिए योग्यता नहीं थी पर परमेश्वर ने रास्ते खोल के उसके लिए उपाय करा है और इवन वी प्रेड फॉर Uh, enjoy her trade. It's so amazing. और सिस्टर शिवानी का भी ले सकते हैं. उन्होंने पिछले एक दो साल पहले अपना व्यवसाय शुरू करा था और जब हमने प्रार्थना करी थी परमेश्वर के अनुग्रह से अब वो व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है तो ये सब गवाहियाँ जब हम व्यक्तिगत रूप से सुनते हैं तो इसकी खुशी हमें अलग महसूस होती है इवन फॉर ब्राजीलनी

God is in a habit of repeating testimony so what has happened once you testify the same thing gets repeated in somebody else's life और परमेश्वर हमारा धन्यवाद करते हैं इस रीति से कार्य करता है कि जब आप गवाही देते हैं तो आप अपनी गवाही जब दूसरे शख्स से बांटते हैं वो उससे आशीषित पाता है तो हमारा परमेश्वर एक गवाही के जरिए दूसरे गवाही को पैदा करता है तो जो गवाही आपके जीवन में हुई है उस गवाही को जब आप बांटेंगे तो वो दूसरे के जीवन में भी कार्यगत होती है you know pastor rani she didn't know how to read and write and one night the lord appeared to her in a dream उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था पर जब वो परमेश्वर से एक बार प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर के अनुग्रह से अनुग्रह के वसीले से जब उन्होंने प्रार्थना करी परमेश्वर उनके

Having the joy to hear that that's non-cancerous; it's nothing to worry about, you know. So uh, this joy can only be received in that fellowship, and I believe that that particular church knew this, and that's why even it was an odd time; it was a night meeting. Everyone came to the extent that there were no seats empty, and people were sitting on the balconies or in the on the window sill. और ये जो खुशी और आशीष हमें गवाहियाँ सुन के या सहभागिता कर कर मिलती हैं ये शायद हमें ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा ना मिलती हो और ये कलीसिया इस बात को जानती थी कि किस रीति से हम परमेश्वर के आशीष को ग्रहण कर सकते हैं इसलिए भी रात के समय जब उन्हें पता चला पॉलूस आया है वो इकट्ठे हो गए और इतने तादाद में लोग इकट्ठे थे कि लोग खिड़कियों पर और बैल्कनीस पर भी बैठ के परमेश्वर के वचन को सुन रहे so थे और आप अपने साथ बैठे हुए शख्स को बोल सकते हैं कि हमें कभी भी कलीसिया में सहभागिता uh, का चांस मिस नहीं करना चाहिए एंड इनकरेज देम और उन्हें उत्साहित करें ग्रो विद द चर्च कि आप चर्च के साथ कलीसिया के साथ बढ़े यू नो ग्रो विद द चर्च यू नो आई थिंक पॉल एक्चुअली एस्टैब्लिशड द चर्च एंड दैट्स व्हाई हाउ यू नो एवरीवन न्यू दैट दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग ऑल नाइट मीटिंग आई एम गेम फॉर इट और वहाँ पे क्योंकि उस कलीसिया को पॉल्यूस ने स्थापित करा था तो उस कलीसिया के सारे लोग जानते थे कि तो बहुत मजा आएगा so, like meeting, <laughs> so, इसका मतलब नहीं है कि अगर हम बोलते हैं कलीसिया में कि हम एक होल नाइट मीटिंग रखेंगे तो सबका आना अनिवार्य है okay, so thing, so, सबसे पहली बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि सहभागिता रखना जरूरी है दूसरी बात

और पासवान को याद है दो शख्स जो सो जाते थे how टू react और उन्हें पता था कि कैसे जो है रिएक्ट करना चाहिए जब वो स्लीप ऐसे करके सोता था एक शख्स एंड वन पर्सन यूज टू प्रेज द लॉर्ड

फेस ऑन दिग स्क्रीन और एकदम से वो शख्स देखा कि मेरे को ही कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा है और मैं सबको देखा कैमरा मैन सर और कैमरामैन ने उसे जताया कि तू कल में सो रहा है ये जो शख्स है जिसकी बात जिक्र है वचन में वो सो रहा है एंड आई बिलीव देट वुड बी मेनी मोर स्लीपिंग और शायद और भी लोग सो रहे हों आफ्टर ऑल इट्स होल नाइट मीटिंग और क्योंकि पूरी रात की सभा है तो शायद और लोग भी सो रहे होंगे बट द राइट प्लेस पर वो शायद uh, सही जगह पे बैठकर नहीं सो रहा था बिन सीटेड ऑन द फ्लोर सम fallen down एंड यू नो died। और अगर वो जमीन पर बैठकर सो रहा होता तो और वो सोते-सोते झोंके -सोते से गिर भी जाता तो शायद वो मरता नहीं आई बिलीव दैट देयर मेनी बिलीवर्स हु हैव द बिलीवर लाइफ बट दे टेंड टू सिट ऑन द विंडो और हम पासवान कह रहे हैं ऐसे बहुत से विश्वासी लोग होते हैं जो विश्वासी तो होते हैं पर खिड़की पर बैठना पसंद करते हैं यू नो इट्स इट हेल्प्स टू कीप द आई ऑन द वर्ल्ड आल्सो एंड द आई और खिड़की पे बैठने का तात्पर्य है कि वो अपने कलीसिया में भी अपनी नजर रखना चाहते हैं और दुनिया पे भी नजर रखना पर खिड़की पर बैठना या वो जगह जो है एक सुरक्षित जगह नहीं मानी जातीस टीचिंग और हालांकि हम अनुग्रह के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं हम जानते हैं परमेश्वर हम पे कितना अनुग्रह करता है पर फिर भी हमें पाप के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए वाई बिकॉज इट्स गॉट इट्स ओन यू नो इज वॉट इज वॉट यू रीप इज देयर इन लाइफ

अपने शख्स को बताएं कि खिड़की पर ना ना और और वो बात नहीं है कि आप अपने घर की खिड़की खिड़की पे, uh, uh, right uh, पे बैठना ये दर्शाता है कि आप एक हाथ में अपने वचन को रखा हुआ है परमेश्वर के और दूसरे हाथ में जो है आपने दुनिया चीजों को रखा हुआ है। you know, हम शायद ये मानते हैं कि परमेश्वर जो है एक बटन की तरह है ओके चर्च टाइम स्विच स्विच ऑन ऑन गॉड गॉड प्रेज़ ये इस तरीके से है कि जब हमें लगता है हम कलीसिया में आए हैं या चर्च के अंदर आए हैं तो एकदम से वो बटन ऑन कर दें और परमेश्वर के आराधक बन जाएं। मंडे मॉर्निंग स्विच ऑफ गॉड देख लूंगा तेरे को. और मंडे को हम वो स्विच बंद कर देते हैं और दुनिया रूप से जो है दुनिया की तरह व्यवहार करने लगते हैं ये दूसरा बिंदु है कि आप खिड़की पर ना बैठे नाउर्ड okay. पॉइंट तीसरा बिंदु बिग साउंड एकदम से आवाज हुई गिरने की धड़ाम से। जितने लोग सभा में बैठे होंगे शायद एकदम से चौक के उठ गए होंगे परमेश्वर की परमेश्वर की know, <laughs> <laughs> और शायद कई लोग बैठे हुए सोच रहे हो परमेश्वर आ गए और परमेश्वर ने उसे उठा लिया गॉन

क्या आप सोच सकते हैं कि किसी की मीटिंग के दौरान जब कोई प्रचार कर रहा हो एक शख्स मर जाए येट द मीटिंग कंटिन्यूज और फिर भी वो सभा जो है वो कंटिन्यू रहती है आई कैंट इमेजिन पासवान ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं ओके बट सडनली देयर इज अ बिग थंप यू नो युथकुस इज गॉन एंड देन पीपल आइडेंटिफाई द युथकुस इज गॉन ही इज ही वाज स्लीपिंग एंड ही

बट वी फाइंड वॉट डज पॉल डू पर हम देखते हैं की पॉलुस ने क्या करा पॉल रश इज डाउन पॉलुस जो है वो दौड़ता हुआ नीचे गया and he hugs him. वो उसे गले लगा लेता है Isn't that amazing? क्या ये बहुत ही अद्भुत बात somebody नहीं है? Somebody not listening to you, somebody sleeping when you are talking, you want to hug that person? <laughs> ये बहुत ही अद्भुत सी और विचित्र सी बात है कि कोई आपकी बात को सुन नहीं रहा है, आपके बात पे ध्यान नहीं रहता है, वो गिर जाता है और आप जाते हैं उसे एकदम से गले लगा लेते हैं। You know, it's very difficult to do. ये बहुत मुश्किल बात है। But what Paul did? पर जो पॉलूस ने करा Paul showed grace even to the person who was sitting on the window. He went down and he hugged that person. Bible doesn't say that he did something. He did not say, get up in the name of Jesus, all your sins be forgiven in the name of Jesus. He didn't say that I'm going to pray for you right now. He didn't do an Elijah thing that he made the person lie and then he uh, laid beside that person and uh, you know it did different strategies he picked up his arms he prayed over his head you know nothing happened he made the believers come down from a chain around him and prayed you know nothing of this sort he did he just hugged that person और वचन बताता है कि पोलूस ने ऐसी कोई अलग सी चीज नहीं करी उस बंदे को या उस शख्स को जीवित करने के लिए या चंगा करने के लिए ऐसा नहीं है उसको लोगों को बोला हो कि चलो एकत्रित हो जाते हैं हाथ पकड़ के उसके लिए प्रार्थना करते हैं या की तरह एलिजा की तरह उसके साथ लेट गया हो ऐसी भी ऐसा भी नहीं कहा कि यशु मसीह के नाम से तो खड़ा हो जा बस पॉलूस दौड़ता हुआ गया और उसको जाके गले लगा लिया फिर बताते हैं आपको क्या हुआ द ग्रेस दैट पॉल कैरीड ओवर हिज लाइफ कि जो अनुग्रह के जीवन पर था स्लीपिंग प्रीचिंग और जब वो गया और उसने युदुकुस को गले लगाया वो एक युदुकुस वो इकलौता शख्स जब वो पॉलूस प्रचार कर रहा था वो सो रहा था ग्रेस ट्रिगर्ड मिरेकल

आपको उत्साहित करना चाहेंगे आफ्टर इन द मॉर्निंग पॉल लेफ्ट फॉर अ डिफरेंट सिटी जब जिस सुबह अगली सुबह जब उस चला गया आफ्टर टू डेज दो दिन के बाद इफ यू आस्क ऑल द पीपल इन द मीटिंग What was your experience? अगर आप पूछते दो दिन बाद जितने भी लोग वहाँ सभा पे मौजूद थे कि कैसा रहा तुमको सभा में हिस्सा लेकर कैसा Everyone लगा? Everyone would have been overjoyed. हर कोई जो है वो बहुत ज्यादा खुश रहा होगा बट द ग्रेटेस्ट रेवलेशन केम टू यूकुस पर जो सबसे बड़ा प्रकाशन अमिला वो युदुकुस को मिला होगा हु वाज ऑन द विंडो जो खिड़की पर बैठा हुआ था फेल डाउन गिर गया था केम बैक फ्रॉम द डेड इनटू लाइफ और मरे हुए में से दोबारा जिलाया गया मैनी स्कॉल पास्टर ऑफ दर्च और कई लोग ये भी कहते हैं कि उस कलीसिया का पासबान युदुकुस ही बना यू सी वॉट ग्रेस कैंडू तो आप देख सकते हैं कि अनुग्रह है जो है हमारे जीवन में कैसे कार्य कर सकता है so I want to leave you with these three तो आपको इन तीन बिंदुओं के साथ छोड़ेंगे फर्स्ट वन सबसे पहला बिंदु ऑलवेज बी रेडी फॉर फेलोशिप कि हमेशा सहभागिता के लिए तैयार रहें। सेकेंड डू नॉट ऑन द विंडोज दूसरी बात कभी खिड़की पर ना बैठें। एंड पॉइंट तीसरी बात

और उस समय पॉलूस जो है अपनी यात्रा नाव से कर रहा था और उस समय नाव ऐसी चलती थी कि किसी एक शख्स के लिए नहीं चलती थी और लोग भी उस नाव में जो है सफर करते थे तो पॉलुस को समय का बहुत प्रतिबंध रहना होता था कि वो किस समय आए और किस समय जल्दी से वापस भी चला जाए वन थिंग और एक Pruvass. चीज वो कलिसिया के साथ छोड़कर गया वॉज दैट वो क्या था वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन

Code there or not, uh, but it just tells me that since this was a heavy night in which there was a lot of anointing, there was a lot of fellowship, there was a death, and somebody came back to life, and in all that, Paul actually forgot his coat. But since you know, uh, Timothy was coming from there, he asked for the coat back because in those days, clothes were not like the way we have. You know, we don't care, there are 10, 10, you know my wife even has more um, so uh, uh, and there you can just throw anything away um, uh, but in those times one coat For for years, six years, and 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 they stay in in the the same same court, court that's why he was in prison, and he was prison asked Timothy for the same court back. और बैल में हालांकि विवरण रूप से शायद ही नहीं बताया गया कि पॉलुस वहां कोर्ट छोड़ के आया था पर ऐसा कहा जाता है कि पोलूस ने क्योंकि वहां इतनी जल्दी जल्दी में सभा ली थी और एक रात में इतनी सारी चीजें हो गई थी तो शायद जल्दबाजी में पॉलूस का कोर्ट वहाँ रह गया होगा इसलिए जब वो वहाँ बंदवाई में था जेल में था उसने तो तुम्थ्यूज को बोला था कि जब तू आए तो मेरा कोर्ट लेते हुए आना शायद इसलिए बोला होगा क्योंकि आज के समय में हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं और कपड़े लेना आ, आसान होता होगा पर उस समय जो है कपड़े रखना मुश्किल होता था और कपड़े खरीदना मुश्किल होता था इसलिए वो कपड़े जो है कंटिन्यू रखते थे इसलिए पॉलस ने तो उसको बोला कि जब तू आए तो मेरा कोट वहां से लेते हुए आना सो कैन वी ऑल स्टैंड क्या हम इस स्थानों पे खड़े हो सकते हैं फादर यू वांट टू थैंक यू फॉर योर गुडनेस और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपकी अच्छाई के लिए थैंक यू फादर फॉर धन्यवाद करते हैं खुदावन की आपने बहुत अच्छी गवाहियों को हमारी कली ऐसी और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि खुदावन आपके जीवन में भी कोई कार्य करे

Till the time God actually comes into your situation. I really sense this anointing right now. Can you ask the Lord for something which is really supernatural where it cannot happen normally practically in your life through the flow of events or circumstances, but it can only happen. और आप एक ऐसी चीज के लिए प्रार्थना करें जो आप जानते हैं कि इंसान से नहीं हो सकता पर हमारा खुदावन कर सकता है और आज हमारे खुदावन हमारे बीच में मौजूद होकर हमें इस बात को बता रहा है कि यदि आप ऐसी चीज को मांगेंगे जो उसके आने से आपकी परिस्थितियों को बदल दे तो वो आपके जीवन में उस चीज को कर देगा निगाह को लगाते हैं

और हो सकता है परमेश्वर हमारे बीच में लोग हैं अपने जीवन में किसी किसी एक एक ऐसे शख्स को ऐसी चीज देखते हो जो उनके जीवन में मर गई है और और चाहते हैं परमेश्वर वाला वो आश्चर्य कर्म हमारे खुदावन आपकी ओर से पिता परमेश्वर एक हक को दोबारा चाहते हैं परमेश्वर वो आश्चर्य कर हम औरों और लोगों के साथ भी बांटना चाहते हैं जिन्होंने शायद इसके बारे में सुना नहीं है on, हम एक कलीसिया के रूप में अपने हाथों को परमेश्वर की ओर बढ़ाएं। सो फादर, परमेश्वर वी हैव प्रेड फॉर दिस मिरेकल हमने पिता परमेश्वर इस आश्चर्य कर्म के लिए प्रार्थना करी है समथिंग विच इज अनअचीवेबल बाय मी

कि परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नामुमकिन आई ट्रूली ट्रस्ट इन यू परमेश्वर मैं संपूर्ण रखता हूँ हमें विश्वास रखते हैं खुदावन लॉर्ड यू कैन मेक एक्स फ्लोट ऑन वॉटर और परमेश्वर आप पिता परमेश्वर हर एक चीज को पानी पे चला यू कैन क्रिएट लाइट यू कैन क्रिएट वाटर यून यू कैन वॉक ऑन वाटर लॉर्ड वॉट

फिर पिता परमेश्वर संपूर्ण रीति से जीवित होना चाहते हैं खुदावन एक बार फिर से पिता परमेश्वर तुझमें नए बनना चाहते हैं। I extend the favor over my family right now. और परमेश्वर इसी अनुग्रह को अपने परिवार के लिए मांग लेते हैं। Lord, I just pray, come together with my family. और परमेश्वर परिवार के रूप में आपके सम्मुख आते हैं। And Lord, I pray that as as your family, Lord Father, we will grow. और परमेश्वर हम ये विश्वास रखते हैं कि क्योंकि हम आपका परिवार हैं हम बढ़ेंगे खुदावन एंड लॉर्ड यू विल कीप डूइंग मिरेकल्स इन आवर लाइफ और परमेश्वर आप आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करते रहें इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आमेन 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 Amen. Hope you have been blessed by the message. मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये वचन आशीषित किया होगा There's a time to give into the house of the Lord. ये वो समय है जिसमें कि हम प्रभु को देते हैं In case the Holy Spirit leads you, अगर आपको मन है तो आप स्क्रीन में दिए गए अंकों का प्रयोग करके प्रभु के राज्य में बो सकते हैं May God bless your finances. प्रभु आपके आर्थिक परिस्थिति में आपकी मदद करे